हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ़ोटोशॉप की एक छोटी सी एडिटिंग, जिसमें हम एक फ़ोटो पे छोटे से इफ़ेक्ट को यूज़ करके उसको एडिट कर देंगे। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है, जो एक सिंपल पिक्चर है और एक एडिट पिक्चर है। हम इस तरीके से इसको एडिट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऑप करते हैं कंट्रोल ओ, और यहाँ से ओपन हो जाएगी फ़ोटो। अब इसमें से अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लें जिसको आपको एडिट करना है, और फिर ओपन करें। ओपन करने के बाद इस फ़ोटो को सेंटर में ले आएँ। सेंटर में लाने के बाद आप इस फोटो का डुप्लीकेट बना लें। इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक कर दें। डुप्लीकेट करने के बाद आप ओरिजिनल फ़ोटो को क्लोज़ कर दें और फिर इसको सेंटर में रखें। इसके बाद आपको ग्रेडिएंट टूल को यूज़ करना है। तो ग्रेडिएंट टूल के लिए आपको ग्रेडिएंट टूल पर क्लिक करना है। जैसे ग्रेडिएंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले लें। कलर सेलेक्ट करने के बाद आप इसके ऊपर एक बार कलर फिल करके देखें तो ये पूरे फ़ोटो कवर हो जाएगी। पर ये हमें नहीं करना है, इसके लिए हम कंट्रोल जेड करते हैं और फिर यहाँ से लाइटिंग इफेक्ट को नॉर्मल से डिसॉल्व कर देते हैं, और फिर ओपेसिटी को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। जैसे ही ओपेसिटी को हम कम करते हैं, यहाँ से लाइटिंग इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। अब लाइटिंग इफेक्ट इसमें फिट करने के बाद, ग्रेडिएंट डालने के बाद आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। और फिर यहाँ से हिस्ट्री टूल से लेके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर से पहले तो इसकी ओपेसिटी को कम कर लें, और फिर उसका टाइप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे टाइगर है, लेपर्ड, इसके ऊपर से उस कलर को रिमूव कर दें। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इस तरीके से आपकी फ़ोटो एडिट हो जाएगी। इसमें और भी इफेक्ट हैं जो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टूल को। टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी आपको लगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थैंक यू। इसके बाद हम कंट्रोल टी करेंगे, और कंट्रोल टी करने के बाद इस टेक्स्ट के साइज को छोटा कर लेंगे। इसके बाद फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से कलर चेंज करके वाइट कर देंगे, या आपको जो भी पसंद हो वो कलर कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी फ़ोटो एडिट हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, दोनों फ़ोटो, एक सिंपल फ़ोटो और एक एडिट फ़ोटो। तो ये एग्जांपल आपके सामने है, एक एडिट फ़ोटो है और एक सिंपल फ़ोटो है। गाइस, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।